बार में लिफार्ड क्या रहता है? तो देखिए ये लिफार्ड रहता है, तो ऐसा लिफार्ड बनाने में कितनी मेहनत लगती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लिफार्ड आई थिंक आपको सीखना ही चाहिए, मैं आपको सिखा के रहूँगा क्योंकि ये लिफार्ड एक यूनिक तरीका है, आपको आगे में वीडियो में बताऊँगा। तो आज हम पत्ते लाने जा रहे हैं, तो पत्ते कैसे होने चाहिए चलिए। पत्ते कितने हरे हरे, तो पत्ते अपने के लिए ड्रॉ निकालने के लिए पत्ते कैसे होने चाहिए देखिए। ये स्लीकी स्मूथ पत्ता होना चाहिए, ये पत्ता जो है स्मूथ होने की वजह से इधर ड्रॉ करने के बाद ये कट करने के लिए इजी रहता है। चलिए और पत्ते देखते हैं, देखिए पत्ते कितने अच्छे अच्छे हैं। ये पत्ते लेने के बाद कौन से पत्ते पर अच्छा होना चाहिए, और पत्ते पर गलत भी आ जाता है कभी कभार, इसलिए पत्ते ज्यादा लेने चाहिए। तो पत्ते तो आ चुके हैं, और इसके बाद क्या करना है, इस पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद कट करना है, ऐसे बहुत से ऐसे मुश्किलें हैं, पर आपको सीखने के लिए मैं इजीली ट्राई करूंगा आपको सीखने के लिए। चलिए मेरा ये आर्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मेरे हर वीडियो आने वाले आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये आर्ट आपको सीखने को मिले ये मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद।